कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं के बयान देख लीजिए, इनके नेताओं की मेल मुलाकातें देख लीजिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर जो देश सोचता है उससे एकदम उल्टा इनकी बातों में दिखता है, उनकी सोच में दिखता है, उनके व्यवहार में दिखता है। इन दलों की भूमिका भारत की कम, पड़ोसी देश के लोग जो भाषा बोलते हैं ऐसा लग रहा है उनके साथ बड़ा तालमेल नजर आ रहा है। तरह तरह के बहाने बनाकर ये महाराष्ट्र की देश की भावनाओं के साथ खड़े रहने में संकोच कर। साथियों, हमारे लिए तो 5 अगस्त का निर्णय अटल है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नए रास्ते पर लाने जैसा निश्चय भी अटल है। आज मैं महाराष्ट्र की धरती, बाबा साहब अंबेडकर की धरती से महात्मा ज्योतिबा फुले की धरती से छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से मैं विरोधियों को चुनौती देता हूं, मैं विरोधियों को चुनौती देता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो इस चुनाव में स्पष्ट स्टैंड लेकर के आप सामने आए, अगर आप में हिम्मत है और कान खोल करके हमारे विरोधी सुन ले, अगर आप में हिम्मत है तो इस चुनाव में भी और आने वाले चुनावों में भी आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विषय में अनाप शनाप बातें करने वाले लोग अगर हिम्मत है तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान करें कि वे धारा 370 35A जो भाजपा ने मोदी सरकार ने हटाई है वो घोषणा करें, हम वापस लाएंगे। हिम्मत है तो करो, 5 अगस्त के निर्णय को हम बदल देंगे। चुनौती देता हूं मैं, ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो, आप मुझे बताइए ये रोज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, इनमें किसी में दम है अब 370 वापिस ले आ पाए? है दम? आप लोग लाने देंगे क्या? हिंदुस्तान लाने देगा? और लाने की कोशिश करेगा वो बच पाएगा क्या? उसका राजनीतिक भविष्य बचेगा क्या? देश उसको स्वीकार करेगा क्या? जब इन लोगों को भी मालूम है उनकी चलने वाली नहीं है तो फिर घड़ियाली आंसू क्या बात है? भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर लिया गया फैसला भाजपा के उन संस्कारों का भी आईना है। हमारे वायदों, हमारे वादों और इरादों में एक स्पष्टता भी है और वादों को पूरा करने का साहस भी है। हमारे लिए कथनी और करनी में भेद नहीं। इसका एक और उदाहरण, 3 तलाक के खिलाफ बनाया गया कानून, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने कितनी ही कोशिशें की कि मुस्लिम बहनों बेटियों को इंसाफ न मिल पाए, अधिकार न मिल पाए,
कितनी ही बार उन्होंने कानून के रास्ते में रोड़े अटकाए, लेकिन हमने मुस्लिम माता और बहनों को जो वादा किया था हमने उसको निभाया। हमारे संकल्प आज उनकी सिद्धि ही हमारे संस्कार है। और इसमें भी मैं विरोधी दलों को चुनौती देता हूं, आप में हिम्मत है तो आइए खुले मैदान में और घोषणा कीजिए कि हम फिर से तीन तलाक का कानून लाएंगे। करो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि तीन तलाक के कारण सिर्फ मुस्लिम माताओं बहनों को हक मिला इतना नहीं, लेकिन मुस्लिम पुरुष वो सिर्फ पति नहीं है, वो पिता भी है, वो भाई भी है। और मुस्लिम पुरुष भी सोचता है कि चलो अच्छा हुआ, पति के नाते तो शायद मुझे ठीक नहीं लगता है, लेकिन पिता के नाते मुझे लगता है कब मेरी बेटी सुरक्षित है, भाई के नाते मुझे लगता है कि मेरी बहन सुरक्षित हो गई। और इसलिए आज हिंदुस्तान के मुसलमान पुरुष हो या स्त्री हो, तीन तलाक के मुद्दे पर उज्जवल भविष्य की ओर देख करके चलने के लिए तैयार हुए।